नमस्कार दोस्तों, तो अभी अपने सामने है ऑल न्यू टीवीएस की स्पोर्ट्स बाइक, जिसका ये ऑल ब्लैक एडिशन आप देख रहे हैं। देखने में काफी शानदार और मस्कुलर दिखाई दे रही है बाइक, और ये जानी जाती है अपने माइलेज के लिए। माइलेज किंग है ये बाइक। हालांकि 110 सीसी का इंजन आता है, उसके बावजूद इसमें आपको काफी बढ़िया माइलेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कंपनी ने इसमें आपको एक ऑल ब्लैक एडिशन इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर इसमें आपको टीवीएस का 3D में लोगो देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ चेंज किए हैं, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, ऑल ब्लैक एडिशन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसमें आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे, यहाँ पर केवल आपको स्पोर्ट्स लिखा हुआ और यहाँ पर आपको 80 FI की बैचिंग देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर आपको टीवीएस 3D में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंपल सा पहले जैसे आपको एनालॉग मीटर देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर इसमें फ्रंट में आपको वही हेलोजन हेडलाइट देखने को मिलती है, लेकिन जो इसकी हेलोजन हेडलाइट है, इसका आपको नाइट में थ्रो काफी बढ़िया देखने को मिलता है। इसमें इसका ऑल ब्लैक एडिशन है, जिसमें आपको कोई ग्राफिक्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर इसमें आपको ऑल ब्लैक थीम देखने को मिल रही है। 110 सीसी का इंजन आता है, 4 स्पीड के गियरबॉक्स के साथ में, और इसमें आपको परफॉर्मेंस भी काफी बेहतर देखने को मिल जाते हैं। रियर से कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है, और यहाँ पर आपको टीवीएस देखने को मिल जाएगा। और इसमें एक और फीचर कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि इसका साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का फीचर, जिससे कि अगर आपकी बाइक की साइड स्टैंड लग रही है और आप क्लच छोड़ते हैं, तो आपकी बाइक बढ़ेगी आगे नहीं बढ़ेगी और बंद हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी वाला फीचर है। बाकी यहाँ पर इसकी स्विच की क्वालिटी आप देखेंगे तो काफ़ी इसमें आपको बढ़िया स्विच की क्वालिटी देखने को मिलती है। यहाँ पर टीवीएस की आपको हर एक बाइक में लगभग काफ़ी बढ़िया स्विच की क्वालिटी देखने को मिलती है, लेकिन ये काफ़ी सस्ती बाइक है, टीवीएस की सबसे सस्ती, लेकिन फिर भी इसमें आपको काफ़ी बढ़िया स्विच देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर ये इसका सेल्फ स्टार्ट वाला स्विच है, और इसमें आपको टायर देखने को मिल रहे हैं 17 इंच के व्हील के साथ में, और इसमें आपको ट्यूब टायर देखने को मिलते हैं 2 75 17 का। इसमें आपको आगे टायर देखने को मिल रहा है, और 3 17 का पीछे आपको इसमें ट्यूब टायर देखने को मिल रहा है। बाकी यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस प्रकार से इसके साइलेंस के ऊपर क्रोम देखने को मिलता है काफ़ी बड़ा सा। इसमें आपको काफ़ी बढ़िया कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है। बाकी यही था कुछ बदलाव जो कि कंपनी ने इसका ऑल ब्लैक एडिशन लॉन्च किया था, जिसके बारे में। और एक और बदलाव, यहाँ पर इसकी जो सीट है उसको कंपनी ने ड्यूल स्टेंजर के साथ में पेश किया है, जो कि देखने में काफ़ी बढ़िया लग रही है। बाकी यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।